नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिजीत बोस है। मैं पेशे से एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, और अक्सर मेरे जो जानने वाले हैं, जो मुझे करीब से जानते हैं, वो मुझे कहते आए हैं कि यार, यू हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट। तेरे पास बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अगर तुम एक अपना YouTube चैनल बनाओ और अपने व्यूज शेयर करो, तो हो सकता है कि लोगों को उससे काफ़ी फायदा हो। दोस्तों, सच बात यह है कि मुझे नहीं पता कि लोगों को फायदा होगा कि नहीं, लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये चैनल जो मैं बनाऊंगा YouTube पे या फिर मेरे Instagram हैंडल पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये एक जरिया है मेरे लिए मेरे व्यूज शेयर करने का, मेरी जिंदगी शेयर करने का, इसको डॉक्यूमेंट करने का। काफ़ी सेल्फिश सा ऑब्जेक्टिव है, जो कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू डॉक्यूमेंट माय लाइफ एंड माय व्यूज, ताकि कभी आगे फ्यूचर में जाके मैं इन वीडियोज़ को देखूँ तो मेरी जिंदगी क्या थी उस समय, मेरे विचार क्या थे, मैं क्या कर रहा था, ये रिकॉर्डेड रहेगा मेरे लिए, मेरे जानने वालों के लिए, मेरे परिवार के लिए। और हो सकता है कि आगे जाके लोगों को भी फायदा हो मेरे विचारों से, जो मैं शेयर करूंगा उससे। तो मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा क्या, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला, पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बट वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। उसके अलावा मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हूँ। मैं एक दोस्त हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक भाई हूँ, एक बेटा हूँ, एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, कुछ हद तक मैंने पढ़ाई करी हुई है, मेरी हॉबीज़ और शौक़ हैं, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं घूमना बहुत पसंद करता हूँ, ट्रैवल करना, मुझे खाने का बहुत सारा शौक़ है, अलग अलग तरीके की क्विजींस शेयर करता रहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी है, आध्यात्मिकता में भी है। तो basically I am a human being which has a lot of facets about him. मैं सिर्फ एक one track individual नहीं हूँ, जैसे कोई भी नहीं है। मैं हमारे हर एक जिंदगी के rather हमारी जिंदगी में अनेक पहलू हैं। तो मैं इस platform के through मेरे विचार share करने वाला हूँ मेरे interest areas पे। तो आशा करूंगा कि जो भी श्रोता होंगे, जो भी मेरे वीडियोस देखेंगे, उनको फ़ायदा हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा, किसी को हो ना हो, कि मैं आगे जाके अपनी लाइफ में अपने परिवार को या किसी टाइम पे मैं अपने आप भी मेरे वीडियोस देख के शायद हंसूं, शायद खुश हूँ कि हाँ, उस टाइम पे मैंने ये बोला था और ये मेरे विचार थे। थैंक यू सो मच।